हाथरस जैसे विभस्तिस कांड की हेमपुर में हुई पुनरावृत्ति। पिता के अनुसार उनकी 12वीं की छात्रा पुत्री के साथ दिया गया सामूहिक बलात्कार को अंजाम। पिता के अनुसार विगत 22 तारीख की रात घर के अंदर हुआ था उसकी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार। पीड़िता 12वीं की छात्रा ने तबीयत बिगड़ने के बाद आज तोड़ा दम। गाँव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोदुआ लाते समय लड़की ने तोड़ा दम। फोरेंसिक टीम ने लिए सैंपल। मृत लड़की के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिता के अनुसार 4-5 लोगों ने दिया था रात में कुकृत्य को अंजाम। मृत लड़की के पिता के अनुसार रात को शोर होने के बाद आंख खुली थी। पिता की नींद। पिता द्वारा घटना का विरोध करने पर पिता के भी अपहरण का किया था आरोपियों ने प्रयास। पुलिस मामला दर्ज कर वह पिता के आरोपियों के आधार पर तफ्तीश में जुटी। मौजूदा कोतवाली क्षेत्र के परछच गाँव का है पूरा मामला। दरवाजे में कर दिया मैं अंदर से। उन्होंने न घोराया न कुछ किया। पेशाब करने के लिए गेट जैसे ही खोला वैसे ही वो जैसे हमारी तरफ आया था हमने लपट दिया उसके। दूसरा था उसने वो जो रुमाल निकाली जरिया दिया लेकिन उसको चीनते हैं अंदर और पहचानते हैं। कहाँ गांव के हैं आपके? गांव का नहीं है सर, वो बाहर का। अच्छा, बच्ची कहाँ ले गए? मुझे होश नहीं रह गया सर, मैं बेहोश हो गया। वो वहीं अंदर है बच्ची और वो अंदर है। उन्होंने उसके साथ भी रोई है ना।